नमस्कार दोस्तों ओपेम्प लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इससे जस्ट पहले वीडियो में फेज लोक्ड लूप के बारे में बताया था जिसके तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं फेज डिटेक्टर लो पास फिल्टर एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसिलेटर फर्स्ट टू पार्ट्स प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में वी सी ओ पे फोकस करना चाहता हूँ तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स ऑसिलेटर जो हैं वो मेनली आपके दो टाइप के होते हैं सॉरी <coughs> एक ऑसिलेटर होता है हार्मोनिक दूसरा होता है रिलैक्सेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में जो आउटपुट सिग्नल हैं वो साइनोसोडल सिग्नल रहते हैं ठीक है और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो फर्दर दो टाइप से डिवाइड होते हैं एक होता है आर सी दूसरा होता है एल सी तो एल सी में हम इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं आर सी ओसीलेटर्स में हम रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं इन ओसीलेटर्स की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है वो निकलता है दैट वन अपॉन टू पाई अंडर द रूट एल इन टू सी तो किसी भी ओसीलेटर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर हमें बदलना है तो उस ओसीलेटर्स में हम जो हमारे पैसिव कंपोनेंट हैं लेटर्स से आपका कैपेसिटर uh, है तो इन कैपेसिटर्स को चेंज करना पड़ता है मैनुअली मैनुअली इनको हम ट्यून करते हैं जिससे सी की वैल्यू चेंज होती है कॉरस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मैं नहीं चाहता कि उन कैपेसिटेंस की वैल्यू या पैसिव एलिमेंट्स की वैल्यू को मैनुअली चेंज करूँ मैं चाहता हूँ कि वो पूरा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली हो यानी कुछ वोल्टेज चेंज करूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए ऐसे कॉन्सेप्ट को ऐसे आइडिया को वोल्टेज कंट्रोल्ड ओ कहते हैं ये आपका एक बॉक्स है जिसको वी कहा गया है इसमें हम कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी इसीलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ऑसिलेटर है तो डेफिनेटली आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी देगा वो आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट वोल्टेज की हेल्प से कंट्रोल की जा सकती है अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है क्या इसका सर्किट्स रहेगा तो इसमें जो की एलिमेंट है दोस्तों वो होता है आपका वेरेक्टर डायोड इस डायोड को हम कैप डायोड भी कह सकते हैं अब देखिए वरेक्टर डायोड नॉर्मली आपका स्पेशल डायोड है रिवर्स बायस जब हम देते हैं तो ये स्पेशल जो काम है वो अपना करता है ये पी जंक्शन ये आपका पी रीजन है ये एन रीजन है पी एन जंक्शन ही आपका एक डायोड होता है यहाँ हमने एक कंट्रोल वोल्टेज दे रखा है रिवर्स बायस में रिवर्स बायस में जितना भी वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली जो डिप्लेशन वेट है वो आपकी क्या होगी वो आपकी हमेशा इंक्रीज़ होगी फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन विड्थ कम होती है रिवर्स बायस में डिप्लेशन विथ इंक्रीज होती है अगर डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है और क्या ये कैपेसिटर है भी पी टाइप की डोपिंग है तो यहाँ की कंडक्टिविटी ज़्यादा है एन टाइप की डोपिंग है यहाँ की कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है अगर हम पी प्लस एन प्लस कर दें तो और ज़्यादा डोपिंग होगी यानी ये आपका एक मेटल प्लेट्स की तरह काम करेगा ये भी एक मेटल प्लेट्स की तरह काम करेगा और इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल होगा जिसमें इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उसके बीच का जो विड्थ है या आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मेटल प्लेट्स वो डी है ठीक है ये डी और आपका जो डब्ल्यू वो दोनों सेम है तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है एबसाइलन ए अपॉन डी डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स वो आपका क्या है ओमेगा ओमेगा डब्ल्यू डब्ल्यू इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा सी डेफिनेटली डिक्रीज होगा अगर सी डिक्रीज होता है तो आपका जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है या ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वन अपॉन टू बाई अंडर द रूट एल सी अगर सी आपका कम हुआ तो एफ नोट क्या होगा इंक्रीज होगा यही कॉन्सेप्ट है तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं, तो इनपुट वोल्टेज को इनक्रीज़ करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनक्रीज़ हो जाएगी यही मैंने यहाँ पे दिखाया है अब बात करते हैं दूसरे केस की इनपुट अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा जो पी एन जंक्शन है वो कम रिवर्स बाइस्ड होगा यानी अब की बार आपकी जो डब्ल्यू है वो क्या होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर वो डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर ये इंक्रीज होता है तो एफ नोट क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो एफ नोट आपका क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों वी इनपुट या कंट्रोल वोल्टेज आपकी जो है वो कम होगी तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी आपका कम हो जाएगा तो अगर मैं कैपेसिटेंस का और इस वोल्टेज का करो प्लॉट करूं तो किस टाइप का करो मुझे मिलेगा तो मुझे इस टाइप का एक्सपोनेंशियल डीके करो मिलेगा ये है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या कह, कह सकते हो जो करेक्टरिस्टिक्स है वरेक्टर डायोड्स का कुछ ऐसा होता है राइट अब वरेक्टर डायोड की वजह से ही हम जो ओसीलेटर हैं उन्हें वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर कहते हैं जितने भी ओसीलेटर्स मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में पढ़ा रखे हैं वहाँ पे कैपेसिटर की बजाय अगर आप वैक्टर डायोड यूज कर लोगे तो वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर बन जाएगा चलो दोस्तों यहाँ इस ग्राफ की बात करते हैं मान लीजिए एफ नोट जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड ऑसिलेशन है वी नोट वोल्टेज पे एफ नोट फ्रीक्वेंसी मिली वोल्टेज आपने मैक्सिमम जब अप्लाई की यहाँ पे तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई वोल्टेज मिनिमम रखी तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल गई इन सभी पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक लीनियर सी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे किसके प्रपोर्शनल्स है आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे मान लीजिए जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं ये कह सकते हो या एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पे वो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ नोट है तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपकी एफ टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है राइट तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी वोल्टेज भी चेंज होगी तभी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है राइट तो सिंपल सी बात ये है कि जो एफ टी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी ऑफ टी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट हटाएं प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट आएगा तो वो क्या है आपका के तो मैथेमेटिकली मैं इसकी वर्किंग को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नोट प्लस के टाइम्स वी सी ओफ टी वी सी आपका क्या है कंट्रोल वोल्टेज ये जो के है ये आपका प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट है इसको हम क्या कहते हैं ट्यूनिंग सेंसिटिविटी ऑफ वी सी ओ यूनिट क्या होगी ये के कॉन्स्टेंट ये बताता है कि एक वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी हेल्प से आपकी जो एफ नोट है वो कितनी इंक्रीज होती है यानी इन वन वोल्ट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना इंक्रीज होगी आउटपुट पे वो आपका क्या है ट्यूनिंग सेंसिटिविटी कॉन्स्टेंट के इसकी यूनिट होगी हार्ट्स पर वोल्ट जो आपका वी है इसकी भी एक आई होती है कई बार पूछ भी लिया जाता है फाइव डबल सिक्स जो है वो आपकी वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर की आईसी होती है इसके बाद दोस्तों इसी वीसीओ की कुछ करेक्टरस्टिक्स आपसे पूछ ली जाती हैं। करेक्टरस्टिक्स में पहली करेक्टरिस्टिक्स है ट्यूनिंग रेंज ट्यूनिंग रेंज का क्या मतलब है यानी कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज आप आउटपुट पर ले सकते हो तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं इसका मतलब ये होगा कि इनपुट पे कितनी रेंज होगी वोल्टेज की जिसको आप चेंज कर सकते हो उसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट पे कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर सकते हो उसे कहते हैं ट्यूनिंग रेंज आपको एक बात मैं और बता दूँ ऐसा नहीं है कि एक मान लीजिए कुछ टाइम के लिए एक वोल्ट अगर आप इंक्रीज करते हो तो हो सकता है वन मेगा हट्स फ्रिक्वेंसी इनक्रीज़ हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टू वोल्ट रखा तो टू मेगा हट्स हो जाएगी थ्री वोल्ट्स रखा तो थ्री मेगा हट्स हो जाएगी मतलब ऐसा नहीं है यूनिफॉर्मिटी से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता कुछ टाइम के बाद जो चेंज है वो बहुत कम हो जाता है स्टार्टिंग में आपका चेंज एक प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट्स के तरीके से फॉलो करता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्यूनिंग रेंज करेक्टरिस्टिक्स इसमें हम ये बता पाते हैं कि अगर आप एक वोल्ट कंट्रोल वोल्टेज को चेंज करते हो तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे कितना चेंज आता है दूसरा है दोस्तों स्पेक्ट्रल प्योरिटी इसका मतलब ये है अगर वी में एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल आपने मेंटेन कर लिया तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहनी चाहिए उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इसे कहते हैं स्पेक्ट्रल प्योरिटी तो दोस्तों इस वीडियो में वी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था आई uh, होप जितने भी uh, तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं फेज लोकट लूप के वो सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं नेक्स्ट वीडियो से हम फेज लॉक्ड लूप का ब्लॉक डायग्राम और उसका वर्किंग प्रिंसिपल इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो